गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि कल हमने कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था, तो वैसे आज फिर हम कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे जो इंफॉर्मेशन पे टॉपिक पे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो जो कल मेरे पास था Yeah।
आपका हो गया। ये इंफॉर्मेशन कंटेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी मैसेज में, और उस मैसेज की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज पी के, एंड देन आई के इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन पी के टू द बेस 2। ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, तो हम यहां प्लेस करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे लॉग 2 1 अपॉन 1 अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग m। ये हो गया आपका। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर आते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है यहां पे जो m गिवन है, m इज इक्वल टू 2 टू द पावर n गिवन आपका है, उस प्लेस पर रखेंगे log 2 टू द पावर n। आपका ये log की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या प्रॉपर्टी होता है, जो पावर होता है log से, log से बाहर आ जाएगा और वो एक कोफिशिएंट की तरह हो जाएगा। देन वी विल राइट हियर n log 2 टू द बेस 2। नाउ फॉर कैलकुलेशन और सिंपली आपको दिख रहा है, अगर आप बेस और ये नंबर अगर आपका सेम होता है देन log की वैल्यू आपकी सिंपल 1 होता है। देन log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। देन फाइनली वी गेट हियर n। This is the information content, और जो मैं proof, I think जो मैं proof करना था, I equal to 1 proof and proof करना था, वो आपका यहाँ derive भी हो गया है। तो ये simple एक छोटा सा numerical था, इसमें आपने symbol लिया हुआ है, सबकी probability same था, simply here we use the formula of the information and place the value of the probability and after calculation and we get n bits, where information. So this is the first numerical. Now second numerical. Its variation for different values
चीज़ देखना है। तो इसी मेजर में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है कि मैंने आपसे ये बोला था कहीं भी अगर आपको एंट्रोपी फाइंड करना हो तो जितने भी सिंबल दिए हों या सैंपल दिए हों तो उनका जो प्रोबेबिलिटी का सम वो वन होना चाहिए। अगर देखें आपके थ्री सिंपल आपके सिंबल हैं टेन पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू वन, और आप यहाँ दिख रहा है यहाँ पे जो पी वन है वो अल्फा के बराबर है, अल्फा प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू वन। अब देखेंगे देन पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा, उसके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो पी टू और पी थ्री की प्रोबेबिलिटी वो सेम है सिंस पी टू इज इक्वल टू पी थ्री। देन आप क्या करेंगे आप यहाँ प्लेस करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे देन टू पी टू इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा देन पी टू इज इक्वल टू या पी थ्री इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा बाई टू। तो अभी सिंपली आपने अभी क्या फाइंड किया है आपने ये देखा अभी आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया हुआ है एंड हियर मींस पी वन इज इक्वल टू अल्फा हो गया देन पी टू एंड पी थ्री इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा बाई टू and then we use the formula of the entropy and to h find the h equal to summation I equal to 1 to 3 here आपका यहाँ पे तीन सिंबल आपके दिए हुए हैं then pi log 1 upon pi ये formula हो गया। इस value put करिए आप तो value put करेंगे तो पहला आपका है alpha log 1 upon alpha plus 1 minus alpha by 2 log 2 upon 1 minus alpha plus 1 minus alpha by 2 log 2 upon 1 minus alpha। ये हो गया आपका सिंपली ओके। तो ये सिंपली आपने एंट्रोपी को फाइंड किया हुआ है इन टर्म ऑफ द अल्फा और जो आपकी जो भी है आपने फॉर्मूले में प्लेस किया हुआ है कि सिंपली वी चेंज द वैल्यू ऑफ आई एंड वी गेट द 3 टर्म बिकॉज आई इज रेंजेस फ्रॉम 1 टू 3। तो आपको दिख रहा है कि पहला हमारा प्रोबेबिलिटी अल्फा है देन अल्फा लॉग बेस 2 टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बाय 2 लॉग दिस आपका बेस 2 है और यहां पे 1 माइनस अल्फा बाय 2 लॉग 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सॉल्व को जरा सॉल्व करें जरा देन एच इज इक्वल टू अगर आप एच देखेंगे तो क्या होगा अल्फा लॉग टू वन अपॉन अल्फा प्लस ये दोनों टर्म आपके सेम है इनको हम ऐड करेंगे सिंपली टू टाइम हो जाएगा टू टू और टू से जो है ये कैंसिल तो सिंपली वी गेट 1 माइनस अल्फा लॉग 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा इन द बेस 2। ये आपका फाइनली एंट्रोपी का वैल्यू आ गया। दिस इज ये इक्वेशन आपको शो कर रहा है दिस इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द अल्फा। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है तो सिंपली वी मेक अ टेबल बिटवीन द अल्फा एंड वी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द अल्फा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी। सिंपली थोड़ा सा टेबल बनाते हैं उस टेबल से हम चार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम टेबल बनाते हैं उस टेबल में हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा और उसके अकॉर्डिंग हमारा एच होगा। पहले हम जीरो लेंगे देन 0.2 लेंगे देन 0.4 0.6 0.8 एंड 1.0। हमने बस अल्फा को वैल्यू दिया हुआ है और आप जब यहाँ अल्फा जीरो लेंगे इसमें जब प्लेस करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन तो आपको दिख रहा है जो ये वाला टर्म अगर आप अल्फा जीरो प्लेस करेंगे तो सिंपली जो भी यहाँ वैल्यू मिलेगा आप फिर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जीरो हो गया जीरो प्लेस किया एंड लॉग टू जो वैल्यू हो गया
वैल्यू आपकी होती है दैट इज वन, सिंपली आपको वैल्यू वन मिलेगा। इसमें आपको और क्लियर कर दो, तो यहाँ तो आपको वैल्यू ऑफ वन मिल जाएगा इस टर्म से, लेकिन जो आपका पहला टर्म है आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं अगर आपने यहाँ पे जीरो प्लेस किया होगा है देन वन अपॉन जीरो आई थिंक इनफाइनाइट होता है, तो जो लॉग का लॉग इनफाइनाइट डिफाइन ऑलरेडी नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे उस इसको आप लॉग इनफाइनाइट कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली कुछ टर्म को वहाँ पे नेगलेक्ट ही कर देंगे, उसको एज्यूम ही नहीं करेंगे। तो सिंपली एट द वैल्यू ऑफ एन अल्फा इज इक्वल टू जीरो वी गेट एंट्रोपी इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट व्हेन वी पुट द अल्फा इज इक्वल टू 0.2 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1.52 देन 0.4 1.57 देन 0.6 1.37 एंड देन 0.92 एंड फाइनली एंड लास्ट वी गेट 0। अगेन आप जब यहाँ पे जो वैल्यू वन पुट करेंगे आपको दिख रहा है तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा और ये टर्म फिर आपका ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन जब इनफाइनाइट वाले केस को नेगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ हम ये टर्म कंसीडर करेंगे जिसमें उसको वैल्यू क्या हो रही है, ये सिंपल आपका टेबल बन गया और इस टेबल को जो है हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बनाएंगे, तो आपको दिख रहा है ये हमारा एंट्रोपी एच हो गया और ये इज अल्फा। आपको ये पता है कभी जब ग्राफ बनाते हैं हमारा ये अल्फा हमने नीचे ले लिया और एंट्रोपी वहां ले लिया, अब तो हमने इसके डिफाइन कर दे, मान लीजिए दिस इज द जीरो वैल्यू हियर 0.5 हियर 1.0 देन 1.5 एंड देन 2.0 ये हमने बना लिया, स्केल को एज्यूम कर लिया and then here 0.2 0.4 0.6 0.8 and 1.2 ये हमने अल्फा एस्टिम कर दिया। अब हम देखें तो आपको दिख रहा है अल्फा जब आपका 0 है उस केस में हमारा एंट्रोपी 1 है, सिंपली आपने यहां से प्लॉट कर लिया, एक प्लॉट कर लिया हमने यहां पे, देन 0.2 वैल्यू 1.52 है और नियर अबाउट हो गया। और तो सिंपल इसको हमें अपने मैनुअल हैंड्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक प्लॉट बन गया। ये प्लॉट आपको दिख रहा है किस तरीके से आपका यहाँ अल्फा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पेंट कॉपी चेंज हो रहा है। तो जो आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया था कि उसका आपको वाला जो एंट्रोपी को फाइंड करना था देन वेरिएशन ऑफ द एंट्रोपी विद द अल्फा, तो ये हमने इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन को हमने फाइंड किया देन इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने एक टेबल को बनाया हुआ है और उस टेबल को हमने डिफरेंट डिफरेंट अल्फा को हमने एच को फाइंड किया हुआ है, फाइनली वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द अल्फा एंड एच एंड वी गेट द ग्राफ जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और आई थिंक आपको तो ये न्यूमेरिकल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेमेस्टर में आई थिंक पिछली बार ये क्वेश्चन आप पूछ चुका है पेपर में, तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस किया गया है एंड वी गेट द एंट्रोपी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले ये फाइंड किया देन ये देन ये देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल transmit message
0.3 कॉमा 0.4 एंड 0.3 द सोर्स इज 0.3 and 0.7. तो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है। मैंने आपसे बोला था कि या तो जैसे मैंने कुछ पहले से न्यूमेरिकल कराया था, मैंने आपको इसमें सारे एंट्रोपीज को फाइंड करना था, देन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, यहाँ भी आपको सारे एंट्रोपीज को फाइंड करना है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें न्यूमेरिकल में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ था, बट हियर चैनल आर गिवन, चैनल दिया हुआ है तो इसमें दिख रहा है। और हाँ, वन थिंग मोर, यहाँ पे जो आपकी सोर्स जो सिंबल x1 x2 x3 है, इनका प्रोबेबिलिटी गिवन है, जो उस केस में आपने अज्यूम किया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मिक्स px1=0.3, px2=0.4 एंड px3=0.3 एंड आल्सो हियर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सब चीजें अगर गिवन हो क्या फाइंड करना होता है, हमें ये फाइंड करना होता है मैट्रिक्स को बनाना। हम जो इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन के लिए हम होंगे क्या करना है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, वो मैट्रिक्स हमारा होगा कंडीशनल मैट्रिक्स। तो ये आई थिंक ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका था, तो मैं इसको आपको उसमें रख करता हूं कि तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। तो मैंने आपसे बोला था कि अब ये आपका चैनल दिया हुआ है, अब इस चैनल से मैंने चैनल मैट्रिक्स को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। और एक चीज मैंने आपसे बोला था, जो चैनल मैट्रिक्स होगा, जो ये चैनल गिवन होता है, उस चैनल से हमारा वो कंडीशनल जॉइंट मैट्रिक्स आपका बनेगा। तो मैं यहां लिखूंगा दैट इज पी y x, ये मैट्रिक्स आपका बनेगा, और हम इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे। और मैंने आपसे बोला था उस मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको याद देखना होगा कि जितने इनपुट्स अपने ही आउटपुट आउटपुट हैं, तो आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इज राइट हियर x1 x2 एंड x3 आल्सो राइट हियर y1 y2 और y3। ये आपका, और ये कभी भी चैनल से हमारा जो चैनल मैट्रिक्स बनेगा ऑलवेज रिप्रेजेंट कंडीशनल मैट्रिक्स, ये बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगा, और ऑलवेज दैट इज p:x बनेगा। तो आपको दिख रहा है जब आप x1 से फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट फ्रॉम द चैनल, आपको दिख रहा है जब x1 से y1 जा रहा हूं, हियर प्रोबेबिलिटी इज 0.8, आप यहां अप्लाई करेंगे, देन x1 से जब y2 पे जा रहा हो प्रोबेबिलिटी इज 0.2 एंड देयर नो रीजन इज x1 टू y3 देन वी राइट हियर 0 अगेन फ्रॉम x2 से आप x1 में जा रहा हो देन एलिमेंट 0 हो गया आपका, फिर x2 से y2 जा रहा हो एलिमेंट 1 हो गया, y3 पे जा रहा है आपका ये 0 हो गया।
गया। अगेन जब x3 से आप y2 पे जा रहे हैं यह पॉइंट 3 हो गया, फिर सॉरी दिस वैल्यू 0 देन पॉइंट 3 देन पॉइंट 7। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब ये और ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बना हुआ है, ये आपका जो आपका कंडीशनल मैट्रिक्स आपका है, ये ठीक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो अब जो आपका आप कह सकते हैं कि ये वाला जो चैनल था अब वो चैनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। देन हाउ टू कैलकुलेट, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका जो दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन हो गया। एंड देन आपको ये भी पता था प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू आई थिंक जो गिवन था दैट इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 0.3 ये गिवन है आपका। तो ये चीजें गिवन थी, हमने इसको बनाया चैनल से और ये चैनल मैट्रिक्स बना लिया। अब इन चीजों का हमें यूज करना है। ओके तो हम कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करेंगे हम इस मैट्रिक्स को यूज करके हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P x comma y can be achieved by multiplying the each row of EYX with PX1, PX2, PX3। मींस अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जितने रो है उतने ही है। तो सिंपल आपको जगह पे X1 लिखा हुआ है, तो इस सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे PX1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को हम PX2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे को हम यहाँ पे PX3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा P इज इक्वल टू सिंपल लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो अगर आप देखें अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये 0.8 है और हमारा ये जो एलिमेंट आपका जो हमने था दैट इज 0.3 देन 0.2 into 0.3 देन 0 देन 0 देन 1 into 0.4। अब देखिए जो ये वाला रो मल्टीप्लाई होगा वो PX2 से मल्टीप्लाई होगा, तो PX2 आपका यहां पर 0.4 है, तो 0.4 से हमने मल्टीप्लाई किया और देन 0 देन ये एलिमेंट 0 उसके बाद लिखिए अगेन 0.3 into 0.3 देन 0.7 into 0.3। तो सिंपल आपके क्या हुआ है, जो ये कंडीशनल मैट्रिक्स आपको जो दिया हुआ था उस कंडीशनल मैट्रिक्स को आपने रो को इंडिविजुअली आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन वी गेट हमें क्या फाइंड हुआ, अगेन कि ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे यह x1 x2 एंड x3 और आप यहां पर मिलेगा y1 y2 और y3 तब से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 0.24.6 0.00 0.4 0.0 0.9 एंड 0.8।
कैलकुलेशन आपको ये मैट्रिक्स मिला हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि क्या हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है कि नहीं सही है, या हमने जो प्रोसेस स्टार्टिंग से हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही है नहीं सही है, तो आप इस मैट्रिक्स में जितने भी आपके एलिमेंट हैं अगर आप उनको जोड़े वी गेट वन। आप देख लीजिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 0.3 हो गया, 0.3 और 0.4, 0.7 एंड दिस टू वी गेट 0.3, देन 0.7 प्लस 0.3 वी गेट 1। तो मींस सम ऑफ ऑल एंट्री और एंट्रीज इन px y इज इक्वल टू अगर आपका ये 1 है, मींस अभी तक जो भी आपने स्टेप फॉलो किया हुआ है टू कैलकुलेट द दिस प्रोबेबिलिटीज मींस आप वो सही हो। ओके, तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जो है जो आपको phi मैट्रिक्स मिला हुआ है उस phi मैट्रिक्स को कॉलम को अगर हम ऐड करेंगे देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी py1 py2 एंड py3। मींस हम इनको ऐड करेंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे, वी गेट py2 एंड इसको ऐड करेंगे वी गेट py3। मींस py1 इज इक्वल टू 0.24 एंड py2 हियर इज 0.29 हो गया, दैट इज py2 इज इक्वल टू 0.5552 होगा एंड कॉमा py3 इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, सिंपली आप phi के कॉलम को ऐड कर देंगे एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी py1 py2 एंड py3, ये आपको मिल गया। तो आई थिंक जब आपको सारे प्रोबेबिलिटीज आपको मिल गए, मीन समय जो नीड है जैसा आपको दिख रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी आपको एक ये आपका सोर्स का प्रोबेबिलिटी, मीन्स आपके चैनल का इनपुट का प्रोबेबिलिटी हो गया, ये चैनल के आउटपुट का प्रोबेबिलिटी हो गया एंड आई एम ऑल्सो हियर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द px कॉमा y। तो आई थिंक आपको सारे एंट्रोपीज को मतलब क्या फाइंड करने के लिए ये तीन अगर आपको प्रोबेबिलिटीज अगर पता है तो वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंट्रोपी बाय यूजिंग द सम रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, देन अब जो है अब हम फाइंड करेंगे एंट्रोपी वन बाय वन। तो एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे, एंट्रोपी देखा जाए अगर हम hf फाइंड करते हैं दैट इज hx इज इक्वल टू आपकी ये प्रॉपर्टी है दैट इज 0.3 log 2 1 अपॉन 0.3 प्लस 0.4 log 2 1 अपॉन 0.4 प्लस 0.3 log 1 अपॉन 0.3 एंड आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर सॉल्व करेंगे देन वी गेट 1.571 बिट्स पर मैसेज, ये हम फाइंड करेंगे। और ये सिंपल आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप एंट्रोपी को फाइंड कर सकते हैं और बिगर एंट्रोपी दे सकते हैं। नाउ एंट्रोपी ऑफ द आउटपुट सिंपल, तो क्या होगा, ये एंट्रोपी आपने फाइंड किया होगा है दैट इज 0.24 log 1 upon 0.24 plus 0.55 log 2 1 upon 0.55 plus 0.21 log 1 upon 0.21 to the base 2। सिंपली आपने प्रोबेबिलिटी को वैल्यू को पुट किया हुआ है इन द फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी एंड देन वी गेट द वैल्यू 1.441 बिट्स, ये आपने फाइंड कर लिया बिट्स पर मैसेज। तो ये आपका रहा
उसके बाद आपने एच एफ फाइंड करा, एच वाई फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एच एक्स कॉमा वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पी एच वाई में आपके टोटल 9 एलिमेंट हैं, तो 9 एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसमें तो कुछ टर्म आपके 0 है, कुछ 4 टर्म आपके 0 है, टोटल आपके 5 प्रोबेबिलिटी हैं। सिंपली वी राइट द एंट्रोपिक फार्मूले में इन 5 प्रोबेबिलिटी का यूज कर लें। आपको जो फाइंड होगा दैट इज h ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू पैरा टर्म हिसाब दिख रहा है 0.24 log 2 1 0.4 द बेस 2 प्लस दूसरा टर्म आपका जो है, अगर आप देखें तो सिंपली आपको दिख रहा है 1.4 यहां पे भी ये जो हमने दैट इज 0.64 ये जो हमने लिखा है, तो वो आप तो करेंगे दैट इज 0.06 log 2 log 2 बेस 2 अपॉन 0.06। आप इसको देख लेना, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया। उसका हमारा एलिमेंट है 0.4 का प्लस 0.4 log 2 1 upon 0.4 प्लस 0.09 1 upon 0.09 to the base 2 and last term is 0.21 तो अब यहाँ
आपको देखना है किस तरीके से हमें चैनल से हमने मैट्रिक्स को बनाया हुआ है, देन मैट्रिक्स को यूज करके किस तरीके से हमने कंडीशनल वो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का, देन उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स को हमने मल्टीप्लाई करके हमने उसको सॉल्व किया, और देन वी गेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। एंड देन जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को फाइंड करने के बाद हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक मीन हमने जो प्रोसेस फॉलो किया हुआ है क्या वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, तो वी चेक द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 1, देन आफ्टर दैट वी ऐड द कॉलम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जॉइंट मैट्रिक्स, देन वी गेट द पी बाय 1 एंड पी बाय 2 एंड पी बाय 3 एंड फाइनली एंड वी गेट द HX HY HX का Y एंड बाय यूजिंग दीस टू फार्मूला वी गेट द कंडीशनल एंट्रोपी HY बाय X तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके से आपने एच वाई बाई एक्स आपकी जो वैल्यू आई है दैट इज 0.4 इनटू के एंड एच एक्स टू वाई इक्वल टू 0.6 इनटू, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे, ये कुछ आपके न्यूमेरिकल थे, ये कुछ न्यूमेरिकल थे, तो ये जो टोटली न्यूमेरिकल आप देते हैं ये टोटली हमने जो आपको एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी और बताया था इस पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो